हाय, कैसे हैं आप लोग? चलो आज जो है हम लोग एसी वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थ्योरी के बेस पर। और प्रीवियस जितने भी थ्योरी हमने पढ़ाए हैं उस थ्योरी के बेस्ड जो जो क्वेश्चंस एसी वर्मा में पूछा हुआ है सबको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं एसी में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर वन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर वन, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन द लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल इज पुल्ड हॉरिजेंटली बाय द कांस्टेंट फोर्स एफ। इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। एक ब्लॉक गिवन है, 2 kg का, और ये किसी टेबल पे रखा हुआ है जिसका म्यू जो है वो 0 है। फ्रिक्शन कितना है? 0 है। ये एफ से इसको खींच रहा है और ये ब्लॉक जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 10 मीटर। ओके ये कंडीशन गिवन है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ए कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल स्पीड कुछ नहीं है, इनिशियली ये रेस्ट में है। यू इज इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला लगाइए, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये 10 मीटर कवर करने में टाइम कितना ले रहा है? 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट 2 सेकेंड टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 मीटर। इनिशियल स्पीड 0 प्लस हाफ इंटू एफ बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है? ये टोटल फोर्स कितना आएगा? 10 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एफ इंटू 4, 2 टू 4 एफ एंड 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। ओके, दिस इज द फोर्स आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ए कार मूविंग एट 40 किलोमीटर इज टू बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक इन द नेक्स्ट 4 मीटर। इफ द कार वेट 2000 kg, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। एक कार दिया हुआ है, ये कार मान लीजिए इसका वेट दिया हुआ है 2000 kg। एम इज इक्वल टू 2000 kg। ओके ये मूव कर रहा है, यू इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। हमने काइनेमेटिक्स में आपको बताया था कि जब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस जो है ये मीटर में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर में, दूसरा मीटर में दिया हुआ है। तो वी हैव टू चेंज द वन सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, आइदर 40 किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए या फिर 4 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यू इज इक्वल्स टू 40, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। ये कटिएगा 9 दूनी और ये 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। चलो ये कह रहा है कि जब इस पर ब्रेक अप्लाई किया गया तो 4 मीटर एस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 मीटर।
जब स्टॉप कर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा इस केस में। अप्लाई कीजिए, इनिशियल मालूम है, फाइनल मालूम है और डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। v इज इक्वल्स टू यू एस का प्लस टू ए एस, v इज जीरो एंड द u इज 100 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू 4। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? a मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 100 बाई 9 का स्क्वायर एंड 1 बाई 4 गुणी 8। तो टोटल कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 10 टू पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है, 9 बाई 81 इंटू 8। ओके, ये कुछ होगा। चलिए, इतना तो आ गया हमको एक्सेलरेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स, एवरेज फोर्स, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? मास है आपका 2000 kg। 2000 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है? अब देखो, ये रिटार्डेशन है ना, तो रिटार्डेशन मतलब फोर्स अप्लाई किया तो रिटार्डेशन, एवरेज फोर्स इम्पिंज ऑन इट, मतलब ये बता रहा है कि रिटार्ड किया हमने, रिटार्डेशन लगाया कि इस व्हीकल को रोका है, ये माइनस साइन ये बता रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट, तो इसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे हम, 4 एंड डिवाइडेड बाई 18 इंटू 8। अगर आप एक्चुअल साइन यूज करेंगे तो फोर्स ये होगा कि आप किसी चीज को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोक रहे हैं, ठीक। चलो, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 3.1 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 81 इंटू 8 8 8 की 8 64 68 आएगा और 6 3 18 अप्रॉक्सीमेटली इस इतना से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। चलिए, दो क्वेश्चन क्लियर, इसको मिटाए। Now the question number 3. Question number 3 here, according to question number 3, in the TV picture tube, electrons are ejected from the cathode with a negligible speed and reach a velocity of 5 into 10 to the power 6 meter per second in traveling 1 centimeter. एक कह रहा है कि कैथोड रे ट्यूब से, पिक्चर ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो 1 सेंटीमीटर कितना चलता है? दिस इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर चलने के बाद फाइनल वेलोसिटी जो हो जाता है वो हो जाता है 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर दिया हुआ है। Assuming a straight line motion, find the constant force exerted on the electron. The mass of electron is 9.1 × 10⁻³¹ kg. मास दिया हुआ है 9.1 × 10⁻³¹ kg। ये सब मास ऐसे याद होना चाहिए क्योंकि मे बी एग्जाम में दे या नहीं दे, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉन के मास, चार्ज, ये सब कॉमन थिंग्स आपको याद रहना चाहिए, ठीक। तो पूछ रहा है द फाइंड द कॉन्स्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, इनिशियल स्पीड गिवन, फाइनल स्पीड इज गिवन, द डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, तो यहाँ से अप्लाई कीजिए, v square is equal to u square plus 2as. v is 5 × 10⁻⁶ का square, initial speed is 0 plus 2 into a into
वन इंटू 10 to the power -2, यहाँ से ए मिल जाएगा हमको 25 × 10 to the power 12 डिवाइडेड बाई 2 × 10 to the power -2। तो ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 12.5 × 10 to the power 14, और ए जो मिलेगा हमको 1.25 × 10 to the power 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सिंपल, फोर्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, तो मास कितना है 9.1 × 10 to the power -31 kg इंटू एक्सलेशन इज 1.25 × 10 to the power 15। यहाँ से निकाल लीजिए एफ इज इक्वल्स टू 9.1 × 1.25 × 10 to the power -16 न्यूटन। और फोर्स जब निकालिएगा तो टोटल इसका फाइनल कैलकुलेशन होगा 1.1 × 10 to the power -15 न्यूटन। मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से देखिए 9 है ना, इसको एक से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आएगा, तो लगभग 1/10 इससे कैंसिल आउट हो गए -15। तो इस टाइप के कैलकुलेशन को एग्जाम में ना आपको अप्रोक्सीमेटली करना पड़ेगा, और इस क्योंकि आपको इतना टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करने के लिए पहुंचिएगा तो मे बी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो एग्जामिनर जो है अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा है तो इसका रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा देगा, जैसे वो एक दे देगा 1.1, एक दे देगा 2.1, एक देगा 3.1। तो इस टाइप से अगर रेंज दिया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब आप सिंपल देख करके आंसर लगाइए। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए लाइट स्ट्रिंग, ए सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। ओके, ये सेलिंग है, इससे एक ब्लॉक टंगा हुआ है 0.2 kg का, दिस इज 0.2 kg, और इससे एक दूसरा ब्लॉक टंगा हुआ है, दिस इज 0.3 kg। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द, ये जी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ पे जो है हमको टेंशन पूछ रहा है, तो टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन अप्लाई कीजिए, दिस इज टेंशन 1 एंड दिस इज टेंशन 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए इसका, एफबीडी, जब एफबीडी बनाइएगा तो इसका एफबीडी बनाइए ये ब्लॉक के लिए 0.2 केजी के लिए, 0.2 केजी नीचे कितना लगेगा 0.2 × 10, जी का वैल्यू 10 है, ऊपर क्या लग रहा है दिस इज T2। ओके, और भी कुछ लग रहा है यहाँ पे, एक और चीज लग रहा है T1। ओके, और कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसके लिए बनाइए 0.3 के लिए, तो 0.3 के लिए ये T1 और ये 0.3 × 10। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, T1 क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, तो जब आप इक्वेशन अप्लाई कीजिएगा T1 − 0.3 × 10 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है, तो T1 हमें क्या मिलेगा 3 न्यूटन, T1 मिला हमको 3 न्यूटन, और T2 निकालने के लिए T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस 0.2 × 10, T2 कितना हो जाएगा 3 + 2, T2 इज 5 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा 0.3 न्यूटन, ये स्ट्रिंग में, एंड T2 ये स्ट्रिंग में कितना आएगा 5 न्यूटन। तो आंसर जो है गिवन है 5 और 3, ऊपर वाले में 5 और नीचे वाले में कितना आ रहा 3 आ रहा है। कॉन्सेप्ट ये समझना है
कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हमेशा क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम से बनाना है। अगर आप अच्छे से अगर आपको आता है तो डायरेक्ट यहाँ पर के यहाँ पे फोर्स शो करके आप जो है क्या क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, जब प्रैक्टिस कर ले आपको, जब प्रैक्टिस एक बार आ जाए, प्रैक्टिस में आप अच्छे हो, तब जा करके जो है आप डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व करिए और टाइम बचा सकते हैं इस टाइप से। ओके चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द टू ब्लॉक ऑफ मास एम आर टाइड टू ईच अदर थ्रू द लाइट स्ट्रिंग, वन ऑफ ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम विद द कांस्टेंट फोर्स एफ, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द ब्लॉक। दो ब्लॉक है, इसका मास एम है, ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसका मास एम है, ठीक, ये फोर्स है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, जब अगर स्ट्रिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं हो तो उसको मासलेस स्ट्रिंग हम मानेंगे। अगर वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन मासिव स्ट्रिंग के बारे में पूछेगा तो वो मेंशन करेगा, ठीक है। तो इसका टेंशन पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट इज द टी, टेंशन इज सेम बिकॉज बोथ स्ट्रिंग आर सेम। चलिए तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर इसको खींच रहा है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा और ये भी ए एक्सेलरेशन जाएगा, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट से, क्योंकि अगर ये दोनों ए एक्सेलरेशन से नहीं गया तो स्ट्रिंग क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब स्ट्रिंग टूट जाएगा तो हमारा जो इनएक्सटेंसिबल कंडीशन जो एजम्पशन भी है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी ए एक्सेलरेशन से जाना होगा, इसको भी ए एक्सेलरेशन से जाना होगा। तो नेट ए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाई डेथ मास, मास प्लस एम, ओके, तो फोर्स डिवाइडेड बाई टू है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन, सो वी हैव टू फर्स्ट राइट द इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ इक्वेशन से इक्वेशन लिखना होगा। द सम ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले पहले ब्लॉक के लिए लगाइए, इसके लिए तो फोर्स के डायरेक्शन, मोशन के किस डायरेक्शन में कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स माइनस ऑफ टी इज इक्वल्स टू एम ए, ओके, ये इक्वेशन वन हो गया। और ये इसके लिए लिखिएगा तो क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन टू हो गया। और हमें क्या मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, तो यहाँ से टेंशन में निकल जाएगा, तो टी इज इक्वल्स टू एम इंटू एफ बाई टू एम, तो टेंशन हमें क्या मिला, एफ बाई टू, ओके, इतना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना हमने आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था, ट्रिक क्या था, कि जिस पे फोर्स लग रहा हो उसके अपोजिट वाले का मास, टेंशन निकलने के लिए इस दोनों के बीच का टेंशन निकालना है ना, जिस पे फोर्स लग रहा हो अपोजिट वाले का मास एम है इंटू एफ डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m, टी इज इक्वल टू वन एफ बाई टू, एक लाइन में आंसर आ गया। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक की, ओके, फोर्स ऑन जो अपोजिट ब्लॉक, फोर्स ऑन अपोजिट ब्लॉक, जिस पे फोर्स लग रहा है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जिस पे फोर्स लग रहा है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, दूसरे वाले को कंसिडर करेंगे, इंटू फोर्स ये इंटू ये डिवाइडेड बाई टोटल मास, ओके, वी गॉट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है एक फिगर दिया हुआ है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है, द पार्टिकल ऑफ 50 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ द स्पीड विद द टाइम इज शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टी इज इक्वल्स टू 2 4 एंड 6 सेकंड। तो सबसे पहले ग्राफ बनाइए, वीटी ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, तो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 6 है, और ये 8, ओके, ये 5 है,
ये 10 है और ये 15 है, ठीक है ना। मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 50 ग्राम। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि फोर्स निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो एक्सेलरेशन, मास दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और हमने आपको काइनेमेटिक्स में बताया था कि द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विद एक्सेलरेशन, ये जो स्लोप है वो वीटी ग्राफ का है, वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। देखो ये स्लोप है वीटी ग्राफ का, तो सबसे पहले यहाँ का स्लोप निकालिए, एम निकालिएगा तो क्या आएगा, बेसिकली टेन थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर, तो 15 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन ये बेस, तो बेस में ये 3 है, 2 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे आएगा, तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा, मतलब टेन थीटा ही शो करता ना एक्सेलरेशन को, ए बराबर क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड इस पर। अब ये पार्टिकल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक्सेलरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड इस पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं पे भी निकालिए थीटा सेम रहेगा, टेन थीटा इज सेम, ये यहाँ का थीटा लीजिए, यहाँ का थीटा लीजिए, यहाँ का थीटा लीजिए, स्ट्रेट लाइन है तो टेन थीटा सेम रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास दिया हुआ है 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 25 250 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन, तो एफ बराबर कितना बन जाएगा 0.25 न्यूटन अलोंग द मोशन। मोशन के अलोंग लग रहा है, क्यों लग रहा है मोशन के अलोंग, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ओके फिर बात करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो टाइम डेटा यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन इज जीरो, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन का टाइम डेटा क्या होता है, जीरो होता है, अगर टाइम डेटा जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा। तो एट टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, द फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड द एक्सेलरेशन इज मास इंटू जीरो, तो फोर्स कितना आया, जीरो आया। एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। और इसके लिए अगर हम बात करें, यहां पर देखिए, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस 15 एंड द डिवाइडेड बाय 3, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इसमें, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्लोप क्या है, निगेटिव है, ये स्लोप क्या था, पॉजिटिव था, और ये स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो सेम इसकी इसी के कैलकुलेशन के बराबर ये भी 5 मीटर पर सेकेंड इस पर था, तो 25.25 आया, तो फोर्स बराबर कितना आ जाएगा 0.25 न्यूटन अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन। ओके तीन ऑप्शन एट टी इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, सबसे पहले एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकाल लिया, फिर टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे जीरो आया, और टी इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे 0.25 न्यूटन अपोजिट टू मोशन। अपोजिट टू मोशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों हुआ, क्योंकि वीटी कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से आप ये इस ग्राफ में देख सकते हैं, एक पार्टिकल स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, फिर कुछ डिस्टेंस जो है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कवर किया, फिर डिसलरेट होकर के वो रुक गया। ओके क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एन बी आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट ऑन द फ्रिक्शनल टेबल, द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक एक्सेलरेट, इफ द ब्लॉक ए एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक बी व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए। क्वेश्चन नंबर
सेवन, दो ब्लॉक हैं, दिस इज ब्लॉक एम ए एंड दिस इज ब्लॉक एम बी, ये एम बी है, एक एम ए, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है, एक्सपेरिमेंटर जो है वो पुश कर रहा है ब्लॉक ए, ठीक है, ये किससे पुश कर रहा है, मान लीजिए एफ ई एक्स पी, ओके, और इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ये इस पे एफ लग रहा है, इस टाइप से लग रहा है, अगर इसको फ्री बॉडी डायग्राम से बना के शो कीजिएगा तो ये फोर्स लग रहा है एफ एक्सपेरिमेंटर जो लगा रहा है, और ये फोर्स ये एफ जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, फिर ये एफ है, ये एम ए है और ये एम बी है, ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए, ये फोर्स निकालना है, आपको याद होगा कि मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या बताया था, ट्रिक कई बार इस टाइप का क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ट्रिक क्या बताया था, जिस पे फोर्स लग रहा है ये एफ फोर्स क्या होता है, ये एफ फोर्स क्या होता है, जिस पे फोर्स लग रहा है वो ब्लॉक को छोड़ के दूसरे वाला, तो क्या हो जाएगा एम बी इंटू एफ ई एक्स पी डिवाइडेड बाई टोटल मास एम ए प्लस एम बी, तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको एफ एक्सपेरिमेंटर का एफ एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम बी, तो एक्सपेरिमेंटर जो है फोर्स कितना लगा रहा है एफ इंटू वन प्लस एम ए डिवाइडेड बाई एम बी, अगर इस ट्रिक से आपको नहीं बनाना है तो बनाइए लेंदी मेथड से, लेंदी मेथड से कैसे बनेगा, सबसे पहले सम ऑफ एफ एक्सटर्नल लगाइए, सम ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके, इस पे लगाइए फोर्स किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, एक्सपेरिमेंटर जो है इधर इस पर फोर्स लगाना, तो एफ एक्सपेरिमेंटर माइनस फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए इनटू एक्सेलरेशन, सेकेंड एफ इज इक्वल टू एम बी इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा ए से, ये भी मूव करेगा ए से, ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या बचेगा एफ एक्सपेरिमेंटर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा एफ एक्सपेरिमेंटर डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी, अब निकालिए फोर्स, ये एफ गिवन है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एफ इजिकल्स टू मास एम बी इंटू एक्सेलरेशन एफ एक्सपेरिमेंटर डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी, तो एफ एफ एक्सपेरिमेंटर जो निकालेंगे वो क्या आएगा एफ इंटू एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम बी, यहाँ से क्या मिल जाएगा एफ एक्सपेरिमेंटर इजिकल्स टू फोर्स एफ इंटू वन प्लस एम ए बाई एम बी, दिस इज आंसर, अब देखिए इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, ये ट्रिक से सिंपल निकाल लिए, ट्रिक में हमने क्या बताया था कि जिस पे फोर्स लग रहा हो उस ब्लॉक को नहीं कंसिडर करेंगे, जिस पे फोर्स लग रहा हो उस ब्लॉक को नहीं कंसिडर करेंगे, दूसरे वाले ब्लॉक इनटू फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ओके, ये ट्रिक है, और ये ट्रिक से आप एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है नीट में कई बार, नीट इवन जेई मेंस में कई बार पूछा हुआ है, तो इस स्टेप के क्वेश्चन को यही तो होता है कि यही तो डिफरेंस क्रिएट कर जाता है कि जो टॉपर होता है वो थोड़ा एडवांस सोच करके करता है, वो टाइम सेव करता है, हम अगर एक बेसिक फंडा से चलते रहें ये इक्वेशन लिखा फिर इक्वेशन सॉल्व किए फिर हमने वो निकाला, अफकोर्स ये ऐसा करना है, लेकिन अगर हमको जहाँ पर टाइम सेव करने की बारी आए तो हम टाइम सेव करेंगे, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm एंड द मास 4 mg आर फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 30 m/s ऑन द हेड ऑफ द बाल्ड पर्सन। द ड्रॉप इज प्लेसेस ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट, अज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियस ऑन द हेड। एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ईच ड्रॉप ऑन द हेड। कह रहा है कि एक बाल्ड पर्सन है, ओके, इसके सर पे जो है आंख भी बनाते हैं, चलो, इसके सर पे जो है एक रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है यहाँ से, और ये यहाँ आता है और इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब इसके रेडियस के आर इक्वल कितना है 1 mm, और ये टूट जाता है, तो आपको बताना है फोर्स कितना होगा। एफ इक्वल टू 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर इज गिवन, आर इज इक्वल टू 1 mm, ठीक, मास इज गिवन, मास इज इक्वल टू 4 mg इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ - 3 g, ओके। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻⁶ kg, चलो। तो अब यहाँ से हमें इक्वेशन अप्लाई कीजिए, इनिशियल स्पीड गिवन है फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 30 m/s, ओके, फाइनल स्पीड जब स्प्लिट इसको टकराता है तो 0 हो जाता है, तो फाइनल स्पीड इज डी इज इक्वल टू 0 एंड द डिस्टेंस कवर इक्वल टू रेडियस इंटू 10⁻³ m। यहाँ से निकाल अप्लाई कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, यहाँ पर रेडिएशन लगेगा, ये 0 हो गया, ये पीस का स्क्वायर प्लस 2 × a × 10⁻³, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 900 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³, तो ये आ जाएगा 4.5 माइनस, और ये 10⁵ m/s पर कितना आएगा। अब फोर्स निकालिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए एफ, मास दिया हुआ है 4 × 10⁻⁶ माइनस 6 है ना, इंटू एक्सेलरेशन कितना आया हमारा 4.5 इंटू 10⁵5, तो फोर्स कितना लगेगा, 9 × 18 1.8 न्यूटन। ये रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब किसी को रोकने के लिए इसको, मतलब जो टकराता है ना उस केस में ये फोर्स इतना अप्लाई कर रहा है इसमें, ठीक है ना। बाल्ड पर्सन के सर पे जो है 1.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक, चलो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसको मिटा दे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स एफ इजिकल टू माइनस के एक्स विद के इजिकल टू 15 Nm, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट एक्स इजिकल टू 20 cm। ए पार्टिकल ऑफ मास, ये एम दिया हुआ है 0.3 kg, ठीक है, और के दिया हुआ है 15 Nm, ठीक है, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन इफ द रिलीज फ्रॉम एक्स इज गिवन है 0.2 cm, अब फोर्स क्या लग रहा है इस पर, माइनस के एक्स, ठीक, कोई एक स्प्रिंग है इस टाइप से, और ये स्प्रिंग को ये एक्सटेंडेड है, मतलब 20 सेंटीमीटर जो है ये एक्सटेंड है, इसको रिलीज करता है
तो इनिशियल एक्सलरेशन कितना होगा, मतलब इसको खींच रहा है, ये स्प्रिंग फोर्स है और इसी फोर्स से कोई इधर खींच रखा है, तो जब फोर्स निकालेंगे हम तो फोर्स हमारा कितना आएगा, माइनस 15 × 0.2, ये आएगा माइनस ऑफ कितना 3 न्यूटन। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा ना, ये एफ एस रिस्टोरिंग है। जब हम आपको स्प्रिंग, एक्चुअल में स्प्रिंग पढ़ाए नहीं है, नेक्स्ट क्लास में स्प्रिंग हम पढ़ा देंगे, तो ये एफ रिस्टोरिंग है, ये एफ अप्लाइड है, ठीक। तो जब स्प्रिंग को आप खींचिएगा इस साइड में तो ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो बोथ आर द पॉजिटिव, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा, अगर ये निगेटिव इसलिए शो कर रहा है, ये अप्लाइड की अपोजिट में लग रहा है, डेट्स वाई ये निगेटिव है, ठीक। अगर इसको हम अगर हटा दें तो ये स्प्रिंग और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, तो 3 / 0.3 मास है ना, 0.3 kg, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 10 m/s इसका, ठीक। ये इतना आएगा, देखिए ये एफ स्प्रिंग है, किसके एफ अप्लाइड के रिस्पेक्ट में ये निगेटिव आया, ठीक है। अगर यहाँ पे एफ स्प्रिंग इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी अगर इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो बोथ आर सेम डायरेक्शन, सो द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये स्प्रिंग का क्वेश्चन आ गया, एक्चुअल में स्प्रिंग कल परसों में मैं पढ़ाने वाला था, ठीक है। कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द बोथ द स्प्रिंग्स ऑन इन फिगर आर अनस्ट्रेच इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एक्स एंड रिलीज, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन। ये K1 है और ये K2 है, दोनों अनस्ट्रेच कंडीशन में है, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप स्प्रिंग को एक्स स्ट्रेच कीजिएगा तो क्या होगा, अगर ये इधर आके एक्स कंप्रेस होगा तो इधर क्या होगा, एक्स इलोंगेट होगा, एक्स कंप्रेस एक्स इलोंगेट, एक कंप्रेस होगा दूसरा क्या होगा एलोंगेट होगा, ठीक। तो फोर्स क्या लगेगा इस पे, एफ इज इक्वल टू के एक्स, ओके ना, तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, K1 x + K2 x, यही लगेगा ना। देखिए इसको हमने इधर मूव किया तो ये फोर्स किधर लगेगा, इधर पुश करेगा ब्लॉक को और ये इधर खींचेगा, तो K1 x से पुश कर रहा है और K2 x से खींच रहा है, तो दोनों पॉजिटिव है और ये मास इनटू एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, K1 + K2 × x / मास, यही होगा। समझ में आया कि एक कंप्रेस किया जा रहा है, एक इलोंगेट हो रहा है, ये ब्लॉक को अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको इधर पुश करेगा, क्योंकि हमेशा स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है, तो ये अपने रिवर्स पोजीशन में आना चाहेगा इधर, और ये भी अपने रिवर्स पोजीशन में आना चाहेगा इधर, तो दोनों मिल करके इसको खींचेगा K1 x और K2 x से, तो फोर्स इंटू फोर्स इज इक्वल टू K x, तो मास मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स एंड K1 x + K2 x मिल करके इसको खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेंगे आपको, ये मिलेगा K1 + K2 x / मास, ठीक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11,
बहुत सारे बच्चे साइंस में कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्प्रिंग फोर्स जो है वो माइनस के एक्स होता है। ऑफकोर्स माइनस के एक्स होता है, वो ये बताता है कि आप जिधर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट में स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज लगेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ब्लॉक का बताना था। तो ब्लॉक का जो फाइनल एक्सेलरेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अगर उसी डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव होगा, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा। श्योर। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है? ए स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg, द लेंथ इज 20 cm। इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए। ए कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 10 N इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। ऑल द सर्फेस आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस। फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम ए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिगर ब्लॉक है, ओके, जिस पे ये ए लग रहा है और ये इस पे फोर्स लग रहा है 10 N का। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक इज बी, ए स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg। इसका जो मास दिया हुआ है वो 5 kg दिया हुआ है। ठीक, और ये म्यू जो है, μ1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ का भी μ2 इज इक्वल्स टू 0। म्यू मीन्स हो गया फ्रिक्शन। ठीक, जब हम फ्रिक्शन चैप्टर में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये स्मूथ सरफेस यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस दोनों के बीच में। तो ये कह रहा है कि 10 kg कंटिन्यूसली अप्लाइड हो रहा है इसमें, तो ये टाइम बताइए जब ये ब्लॉक सेपरेट कर जाए इससे। क्या कर जाए? सेपरेट कर जाए। और ये डिस्टेंस कितना है? 20 cm है। डिस्टेंस कितना है? 20 cm। FBD अगर बनाइएगा तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले तो एक स्मॉल ब्लॉक भी दिखेगा और एक ये ब्लॉक ए दिखेगा। ठीक, ये फोर्स लगेगा इस पे F 10 N, इस पे एक रिएक्शन लग रहा होगा, इसका इसका एक रिएक्शन लग रहा होगा। बताइए, ये ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो ये रिएक्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ए ए इज इक्वल्स टू 10/5 इज इक्वल्स टू 2 m/s². ये फोर्स की वजह से इस फोर्स में, इस ब्लॉक में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ये ही फ्रिक्शन होता तो ये ब्लॉक अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये इस पर एक रिलेटिव मोशन देता इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है इसीलिए यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये इस पर स्लाइड करना, ये ब्लॉक एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करेगा, ये ब्लॉक यहीं पर रहेगा लेकिन ये ब्लॉक मूव करता चले जाएगा, और मूव करते करते कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा 20 cm। तो सेकेंड केस कैसा होगा? सेकेंड केस ये होगा कि ये ब्लॉक यहाँ आ गया 20 cm कवर करके, ठीक, और ये ब्लॉक यहाँ आ गया। इस केस में आते ही ये बी ब्लॉक जो है नीचे गिर गया। ठीक है, तो एस इजिकल्स टू UT+ ½ AT²। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 20 × 10⁻²। इनिशियल स्पीड इज 0, 2 × 2 m/s² इंटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? 0.2√, ये आएगा T=0.45 s। इसका रूट निकालिए, ये आंसर आएगा। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक ए ब्लॉक जो है, ए ब्लॉक 5 kg का है, इसके ऊपर एक बी ब्लॉक रखा हुआ है जिसका सरफेस स्मूथ है, इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। जब इस ब्लॉक पे 10 N का फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक आगे मूव किया लेकिन इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, तो इसके ऊपर दोनों के बीच में दोनों ये इनर्सिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रखा है लेकिन ये मूव करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 2 m/s। इस पर जब ये 20 cm मूव कर गया तो उस केस में टाइम लग गया इतना और ये ब्लॉक धपाक से नीचे गिर गया। ओके, चलो, तो क्वेश्चन 11 हो गया।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं अभी आप. तो अभी थ्योरी पोर्शन में दो कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, एक तो स्प्रिंग फोर्स पढ़ाना है, दूसरा सिडो फोर्स पढ़ाना है. ठीक, ये दोनों थ्योरी हम पढ़ा करके और ये आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ए मैन हैज़ फॉलन इन टू ए डिच ऑफ विड्थ डी. द टू ऑफ हिज फ्रेंड आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग ए लाइट रोप एंड द टू फिक्स पुली ऑल्सो इन फिगर. So that the force assumed equal for both the friends exerted by the each friend on the road increases as the man moves up. Find the force when the man is at depth H. Which is type se figure hai? Question number 12. Yahan pe ek pulley laga hua hai. और इसको यहाँ से कोई बंदर जो है खींच रहा है. ये बैठा हुआ है, इसको इधर इसको पकड़ रखा है, इसको इधर से ये पकड़ रखा है. इसको ठीक है इस तरह से खींच रहा है. इसका जो डिस्टेंस है वो दे रखा है डी, और इसका जो डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का वो दिया हुआ है H. Now we have to find out the tension. क्या पूछ रहा है? Find the force when the man is at the depth H. टेंशन बताना है इसका. ठीक है, कितना होगा? अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल है और ये भी क्या है? थीटा एंगल है. ठीक, तो सबसे पहले अगर टैन थीटा निकलिए, यहाँ पे एक्चुअल में ये डिस्टेंस है, यहाँ तक ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो साइन थीटा निकलिए. साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब डी बाई टू, और ये जो अंडर रूट डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होगा साइन थीटा. और भी कुछ है? और कॉस थीटा निकालिएगा. कॉस थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो सबसे पहले ये हम देख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर 2t sin theta, 2t cos theta is equals to mg. इसका जो वेट है mg, वो कौन बैलेंस कर रहा होगा? एक तो ये t इसका कंपोनेंट लीजिएगा, ये t का कंपोनेंट लीजिएगा, तो 2t cos theta is equals to mg होगा. तो t is equals to क्या बचेगा? mg divided by 2 cos theta. यहाँ से t मिल जाएगा हमको mg divided by 2 इनटू कॉस थीटा क्या है? एच अंडर रूट डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा? एम जी डिवाइडेड बाई 4H अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4H. ओके, ये तो आ गया टेंशन. अब एक चीज और इसमें कह रहा है कि फ्रेंड, ये कह रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ईच फ्रेंड ऑन द रोड इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप. मैन जैसे जैसे ऊपर आएगा तो टेंशन बढ़ता चले जाएगा. एम जी
फोर अंडर रूट बी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर आएगा प्लस फोर। ठीक है तो ये जैसे जैसे ऊपर आएगा तो h क्या होगा घटेगा और h घटेगा तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा। इसका मतलब व्हेन द h डिक्रीजेस t इंक्रीजेस ये होगा h क्या होगा h डिक्रीज होगा तो t इंक्रीज होगा। तो ये हो गया जो एक कंडीशन पूछ रहा है बाद बाकी ये t का फॉर्मूला है मतलब इस क्वेश्चन के लिए।